ब्लॉग शुरू करने से पहले एक बात कह देता हूँ, ये ब्लॉग पूरा देखना है। इसमें बिल्कुल छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन दी है जो शायद किसी और ने ना दी हो, वो मैंने दी है। तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को इन 3, 2, 1 गो। पहुंचे हैं हिमकोटी। मेरे कैमरा वगैरह सब कुछ लॉकर में जाएगा। दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया हो गए। मैं कर रहा हूँ अभी भैरव पैदल, 4:30 हो चुके हैं। हमारी फ्लाइट है दिल्ली। Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time इफ़ वी टॉक अबाउट फैसिलिटीज़ इन हिमकोटी मार्ग, सो यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी है बहुत ही बढ़िया प्रॉपर। रात के इस टाइम लगा लो 1 बज गए हैं, मतलब बजने वाले हैं। तो यहाँ पे भी फूड कोर्ट ओपन है, तो यहाँ पे कोई ऐसा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को नहीं कर सकते। उल्टा मुझे लगा कि हिमकोटी बेटर है, तो घोड़े वगैरह होते हैं वो भी नहीं है। 4 किलोमीटर शायद और है, 1 बज चुका है, 2:30 बजे तक का टारगेट है हमारा। सीधा है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा है, मतलब ज़्यादा कुछ उसमें जो नीचे जोर पड़ रहा था ना, वो वाला कोई हाल नहीं हो रहा अब हमारा। तो अभी हमने ली 3 चॉकलेट्स, 80 रुपीज़ हुए हैं इनके, तो यार ये ज़रूरी लगी मुझे। 1:07 अभी हम पहुँचे हैं हिमकोटी। यहाँ से 1.5 घंटे और लगेगा, 5 से 10 मिनट रुकेंगे फिर वापस चल देंगे। पसीना देख रहे यार, 3 घंटे में हिमकोटी आ गए हम। 10:15, 10:15 बजे स्टार्ट किया था, 1:07 हो रहे हैं। और हम अराउंड टाइम से बहुत सही चल रहे हैं मतलब। और अभी भी मतलब ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम जाना भी चाहें ना तो कोई है ही नहीं घोड़े का भी ऑप्शन। और हिमकोटी पे जहाँ मैं ना, यहाँ पर आपको जो है डोसा और क्या है राजमा, सारी डिस्पेंसरी भी है, मतलब कुछ नीड होती है मेडिसिन की। बट यहाँ पे साउथ इंडियन भी है, मसाला डोसा 50 प्लेन 40, एंड सेल्फ सर्विस है जो यहाँ पे पूरे है, यहाँ पे सेल्फ सर्विस ही है। अभी मुझे ऐसा कुछ नीड लग नहीं रही कॉफ़ी की, बस यहाँ से रेस्ट करेंगे। और प्रॉपर आपको सुबह मिलेगा यहाँ प्रॉपर? हाँ शायद सुबह ही मिलेगा, रात में इतना अवेलेबल नहीं होता। तो 2:30 बज रहे हैं और हमें अप्रॉक्स लगा 4 घंटे 15 मिनट लगे अप्रॉक्स हमें भवन पहुंचने में। फाइनली वी आर रीच्ड भवन। बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, नीचे जाता हूँ अब, मतलब दिख रहा है बस, यहाँ से विजिबल है। यहाँ से प्रसाद के लिए लाइन, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, यहाँ से आपको स्लिप लेनी एटलीस्ट है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ऊपर जो टेम्परेचर वो है 8 डिग्री सेल्सियस, नीचे था 20। प्रसाद ले लिया हमने, प्रसाद ये वाला लिया, ये है 55 का, तो 2 हो गए 110। और मेरे बिल्कुल सामने है इस टाइम भवन। तभी कभी भी आप अगर यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो ये देखो डॉर्मेटरी है यहाँ पे, ये ऑनलाइन बुक होता है, 150 रुपीज़ का पर बेड होता है। इन केस यहाँ कोई इमरजेंसी होती है तो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। रूम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, प्रायोरिटी दी जाती है वो अपर क्लास को दी जाती है, फैमिली हो तो, वरना बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। आप कंबल भी लेना चाहें तो यहाँ पर 100 रुपये कंबल के लगते हैं, और वो भी सिक्योरिटी होती है, आपको रिटर्न हो जाता है। जा रहे हैं दर्शन के लिए, और आपको पता ही होगा कि यहाँ से अब मेरे कैमरा वगैरह सब कुछ लॉकर में जाएगा। सो अब बिल्कुल भी, बस अब दर्शन करके मिलते हैं सीधा, लॉकर में जाएंगे, नीचे जाना होता है। भवन पे 3 लॉकर हैं, एक सबसे स्टार्टिंग में आता है, हमने मिस कर दिया। मैं हमेशा यहीं जाता हूँ यार, इसके लिए ना बहुत नीचे जाना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, जा रहे हैं। लॉकर नंबर 2 एंड 3 ये यहाँ पर है, और वो भवन से थोड़ी सी पहले दिखेगा, मैंने बोर्ड का साइन दिखाई दिया आपको, वहाँ से आना। रूम कुछ ऐसा लॉकर ले रहे हैं, वो भी ऐसा लॉक मिलता है, तो ये इस तरह का है। Few moments later.
4 o'clock मॉर्निंग के, 4 बज गए हैं सुबह के, और अब हम लॉकर से सब ले लिया, सारा सामान हो चुका है हमारा, अब दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया हो गए, दोबारा 15 मिनट में दर्शन हो गए, जय माता दी। सिर्फ और सिर्फ 4 लोग थे, जय माता दी, जय माता दी। बस यार ये लॉकर की जो लाइन है ना, इसके लिए बहुत परेशान होना पड़ता है, और पैर बड़े ठंडे हो गए हमारे, कम्बल पे चढ़ चढ़ के आ रहे थे यार, सारा ले लेके, बट किसी भी तरह हो गए फाइनली 4 बजे दर्शन। मैं कर रहा हूँ अभी भैरव पैदल, 4:30 हो चुके हैं, एक्सपेक्टेड टाइम अराइवल पता नहीं, 5:30 तक पहुँच जाएगा, थोड़ी सी सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, तरह से चलते हैं, तो पूरा कोशिश है कि पैदल ही जाएँ, यही है नहीं लिया यार खच्चर, पूरी यात्रा पैदल ही करेंगे। ऊपर मिलता हूँ मैं, बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, मैं सीधा ऊपर मिलता हूँ। जब ये लास्ट चेयर है सीधा हम भैरव, 4:50 हो रहे हैं अप्रॉक्स, 5:10 तक हम भैरव पहुँच जाएंगे, बहुत हालत ख़राब हो गई यार। Few moments later. Finally भाई पहुंच गए भैरव सीढ़ियों से, अभी वो देखो पीछे, अभी रात में कुछ दिखने का हुआ बट मज़ा आ गया यार, जो सेटिस्फेक्शन पैदल पहुंच के मिलती है ना, बिल्कुल मज़ा नहीं है किसी भी चीज़ में यार। रोपवे से आना चाहे तो रोपवे के जो टाइमिंग है अराउंड 9 PM है, और टिकट 100 rupees है अप डाउन दोनों। पीछे मेरे भैरव मंदिर, दर्शन करके आता हूँ मैं। The next morning. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, भैरव से मैं नीचे आ गया, अभी मर्दकारी की स्टेयर्स पर हूँ, अभी 267 है, सब नीचे पहुँच जाएंगे, अभी हम हाफ रास्ता कर लिया। टाइम की बात करूँ तो 7:45 मतलब 6:45 हो रहे हैं अभी, ठीक है हम अपने टाइम से ही हैं, हमारी ट्रेन जो है वो जम्मू तक जो है वो तो 10 पर है, तो ठीक है अभी हम रेस्ट भी करेंगे होटल में, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अभी हमने सही से, तो बस जाते हैं, देखो सुबह का व्यू पीछे ये देखो, तो बस चलते हैं यहाँ से, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, बहुत थक चुका हूँ यार जितना दिखा दिया। और ये ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे, इंस्टाग्राम मैंने सब अपडेट कर दिया था पहले ही, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे पहले फटाफट, ठीक है। बस 12:30 हो रहे हैं अभी, 9 बजे के करीब आ चुके थे रूम में, हमारे 12 बजे हुए हैं, बहुत हालत ख़राब है यार। यहाँ से अब हमारी ट्रेन है जम्मू की, जम्मू से हमारी फ्लाइट है दिल्ली की, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ध्यान रखना सांझी छत वाला रास्ता है जो रात में अवॉइड करना, आना रात में कोई भी नहीं था, एक सिंगल बंदा भी नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी हमें आने में, तो बस यही बताना था। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर देना, वहाँ भी मैं रिप्लाई कर दूँगा। जम्मू एयरपोर्ट 5 बजे रहे अराउंड यहाँ पहुँच गए, 3 घंटे अभी हमारे पास, 3 घंटे पहले आ चुके हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर रेस्टोरेंट है, यहीं पर मैं बैठा हूँ, तो हमने एक ऑर्डर कराया अभी कढ़ाई पनीर और 4 तवा रोटी, जो टोटल बिल आया वो मैं आपको दिखाऊंगा। पनीर की जो क्वांटिटी है वो सही है ना, बढ़िया है, 1 तवा रोटी है, ये है कढ़ाई पनीर 325, बटर रोटी 240 एंड 740 बिल। एयरक्राफ्ट हो रहे हैं और हमने बोर्ड कर लिया फ्लाइट, फ्लाइट टाइम पर 9:40 हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। लेट्स वेलकम विशाल, हेलो, साले साले साहब, तुम हमें सकेत हो, सेलेक्टिविटी लोग दिखा ऑल विद दिस ब्लॉग, चलते हैं यहाँ से, एक और जर्नी हुई पूरी, तो कैसा लगा ब्लॉग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सो दिस इज पुलकित नया साइनिंग ऑफ फ्रॉम जर्नी गॉसिप, बाय बाय।